हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ये आप देख सकते हो किससे बना हुआ है। ये बना हुआ है कॉर्न से, कॉर्न कटलेट या कॉर्न वड़ा, आप कुछ भी कह सकते हो। बहुत टेस्टी रेसिपी बना हुआ है। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने कॉर्न को पीस के लिया हुआ है। अगर आपके पास एकदम फ्रेश कॉर्न है तो आप इसी तरह से ग्राइंड करके ले सकते हो। अगर थोड़ा सा कड़क है तो आप थोड़ा बॉईल करके ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पीस के रेडी किया हुआ है। इसमें मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा जिंजर। जिंजर मैंने छोटे पीसेस में कट किया हुआ था, उसे मैं ऐड कर दूँगी। और मैं ऐड करूँगी करी लीव्स। करी लीव्स को मैंने कट किया हुआ था, उसे ऐड कर रही हूँ। उसके साथ मैं ऐड करूँगी, मैंने हाफ ऑनियन ऐड कर दिया है। तो ऑनियन भी ऐड करने से बहुत टेस्टी आता है और ये बहुत क्रंची बनता है। और यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है धनिया, कोरिएंडर लीव्स ऐड कर दिया है ढेर सारा। धनिया ऐड करने से एक फ्रेश फील आता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बेसन। 1 से 2 चम्मच तक मैंने बेसन लिया हुआ है। और अब मैं ऐड करूँगी राइस फ्लोर, चावल का आटा। जितना बेसन लिया है उतना ही मैंने चावल का आटा भी लिया हुआ है। आप चाहे तो बेसन थोड़ा ज़्यादा ले सकते हो। मैंने इसलिए लिया है चावल का आटा क्योंकि हमें इसे क्रिस्पी बनाना है, इसलिए मैंने चावल का आटा लिया हुआ है। और इसमें ऐड कर देना है सॉल्ट। सॉल्ट स्वादानुसार ऐड कर देना है। ये बहुत टेस्टी बनता है और आप राइस के साथ इसे खा सकते हो या फिर आप चाय के टाइम में इसे बना सकते हो। इसमें मैंने ऐड कर दिया रेड चिली पाउडर। अब हरी मिर्ची छोटे से पीसेस में कट करके ऐड कर सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा लगता है। और मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर दिया है हल्दी। इसके बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। पानी नहीं ऐड करना है क्योंकि कॉर्न में थोड़ा सा हल्का सा पानी रहता है। तो आप ट्राई करिएगा कि उसी से ऐसे मिक्स करने का, ऐसे प्रेस करके मिक्स करोगे तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने मिक्स करके लिया हुआ है। आप इसे अच्छे से सेट करके लेना। आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आपको वड़ा बनाना है तो उस शेप में ये आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपके सामने एक करके बता रही हूँ। आप ऐसे देख सकते हो, अगर मैं इस शेप में वड़ा बनाऊँगी तो इस तरह से होना चाहिए। अगर अच्छे से टाइट बैठ नहीं रहा है तो आप थोड़ा सा पानी या फिर बेसन ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस तरह से अच्छे से शेप में बना दूँगी, इस तरह का शेप में बना दूँगी। आपको जैसे चाहिए वैसे शेप में बना सकते हो या फिर आपके बच्चे या बड़े जैसे खाते उस तरह से बना सकते हो। यहाँ पे मैंने सारा अच्छे से बना के रख दिया है। अब मैं एक तवे पे ऑयल गरम करने रख दूँगी। अगर आप डीप फ्राई करना चाहते हो तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर तवे पर हल्का सा ऑयल लिया हुआ है। अब मैं इसमें ये सारा रख दूँगी। यहाँ पे देख सकते हो बहुत अच्छे से रख दिया है सारा। इसे अच्छी तरीके से दोनों साइड में मिक्स करके फ्राई करना है। ये मैंने अच्छे से दोनों साइड से फ्राई करके लिया हुआ है, मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है। आप डीप फ्राई भी कर सकते हो इसे गोल्डन ब्राउन होने तक। यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम रेडी हो गया, सब बन के रेडी है। यहाँ पर मैं अभी सर्व कर लूँगी। ये मैंने अभी सर्व कर लिया है। इसके साथ आप टोमेटो केचप ले सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनता है ये और खाने में बहुत क्रिस्पी बनता है। बहुत ही अच्छा रेसिपी है, प्लीज़ इसे ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।